हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा पाटिल और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं जब भी अपना यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करती हूँ तब मुझे फोन आते हैं मेरी फैमिली के तरफ से या मेरी जान पहचान की जो भी लेडीज हैं वो मुझसे कहती हैं कि दीदी, आप अपना वीडियो किस तरह से शूट करते हैं, आप एक वीडियो इस पर बनाइए ताकि हम भी उसे देखें और हम भी अपना वीडियो बनाना चाहते हैं, अपना कुकिंग चैनल बनाना चाहते हैं, कुछ भी वो भी यूट्यूब पर कुछ करना चाहती हैं। तो वो कहते हैं कि हम आपसे सीखना चाहते हैं कि आप किस तरह से अपना वीडियो शूट करती हैं और इसकी तैयारी कैसे करती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं कुकिंग वीडियो ज़्यादा बनाती हूँ तो मैं आपको कुकिंग वीडियोस के बारे में बता सकती हूँ। तो चलिए, कैसे बनाती हूँ, क्या करती हूँ, किस तरह से तैयारी करती हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, वैसे तो मेरा बहुत छोटा सा किचन है, चलिए मैं आपको मेरा किचन बता देती हूँ। ये देखिए, काफी छोटा किचन है मेरा और इसी छोटे से किचन में मुझे 8,000 फैमिलीज का प्यार मिलता है। ये देखिए किस तरह का है, बस इतना प्लेटफार्म ही है, बाकी जो भी है सब ऊपर इस तरह से जमा कर रखे हैं। चलिए मैं किस तरह से अपना कुकिंग वीडियो शूट करती हूँ वो बताती हूँ। पहले तो हम कुछ तैयारी करते हैं, यानी कि किचन को थोड़ा साफ सुफ करते हैं अच्छे से। तो आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा फैला हुआ है किचन, छोटा सा है तो काफी फैल जाता है। तो पहले मैं इसे थोड़ा आवेरूंगी। ये देखिए, मुझे जगह बनानी पड़ती है पहले कुकिंग वीडियो शूट करने के लिए। तो मैं सारा सामान जो है वो नीचे रख देती हूँ। छोटे छोटे घरों में काफी दिक्कत होती है फ्रेंड्स। चलो ये तो मेरे काम में आएगा, इसको यहीं रखती हूँ, ये भी काम में आएगा। ये दोनों फालतू ही इन्हें नीचे रख देती हूँ। यहाँ देखिए, ये भी काम में आने वाले हैं, इन्हें मैं बाहर रखूंगी। ये चाकू भी मेरे काम आने वाला है तो इसे भी साइड में ही रखूंगी। जो काम में आने वाली चीजें हैं उन्हें मैं अपने पास रखती हूँ, बाकी सब पूरा किचन खाली कर देती हूँ। तो ये देखिए, अभी काफी गंदा पड़ा हुआ है, पहले मैं इसको अच्छे से साफ करूंगी गैस को। तो अगर आप भी अपना कुकिंग चैनल बनाना चाहते हैं तो आपको भी इसी तरह से वीडियोस बनाने पड़ेंगे, अच्छे से साफ सूफ करके। साइड की टाइल्स वगैरह भी साफ करनी पड़ती है ताकि गंदी ना दिखे वीडियो में। पहले थोड़ा गीला कपड़ा फेरेंगे, फिर उसके बाद सूखे कपड़े से लगाएंगे। अगर आप कोई चैनल बनाना चाहते हैं, कुकिंग चैनल हो या फिर और कोई सा चैनल हो, तो आप अभी बना लें, क्योंकि जब जागो तब सवेरा होता है। तो अगर आपकी अभी इच्छा हो रही कुछ करने की तो आप अभी कर लें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। इतना छोटा किचन है मेरा कि कैमरा रखने की भी जगह नहीं है, बड़ी मुश्किल से मैं कैमरे को भी सेट करती हूँ। और मैं अपना वीडियो मोबाइल से ही शूट करती हूँ। पहले पहले तो आपको मोबाइल से ही शूट करना होगा। जब आपका चैनल अच्छा चलने लगेगा और आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, यानी आपकी कुछ इनकम आने लग जाएगी, तब आप थोड़ा थोड़ा खर्चा कर सकते हैं अपने चैनल के लिए, अपने वीडियोस को अच्छा बनाने के लिए। लेकिन आप चैनल बनाना चाहते हैं तो आपको एक ट्राइपॉड और एक मोबाइल तो जरूर लगेगा फ्रेंड्स, इतना खर्चा तो आपको करना ही पड़ेगा। और एक माइक भी छोटा मोटा लेना ही पड़ेगा आपको। तो बस ये तीन चीजें खर्चा कर दीजिए और अपना चैनल शुरू कर दीजिए। ये देखिए, इस तरह से मुझे करना पड़ता है।
और फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मेरे सारे चेहरे पर फुंसिया ही फुंसिया हो गई है दवाइयों की वजह से। ये देखिए मिक्सी की जगह पर भी मैं जूस बनाती हूँ चुकंदर का मेरे बड़े बेटे के लिए, तो उस पे भी सारे छींटे छींटे उड़ जाते हैं, तो वो भी सामने से दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा थोड़ा उसको भी साफ कर देंगे। तो ये देखिए जब मैं कुकिंग वीडियो बनाती हूँ तो इस वाले स्टैंड को हटा देती हूँ, तब मैं इनको लगा लेती हूँ। जब मेरा बहुत अच्छा मूड होता है और मैं फुर्सत में रहती हूँ, और अगर कभी जल्दबाजी में रहती हूँ तो ऐसे ही चलने देती हूँ, चलता रहे। ये देखिए इस तरह से प्लेटें भी लगा लेंगे इसकी, और यहाँ ये स्टैंड भी लगा लेंगे, तो थोड़ा इसका लुक चेंज हो जाएगा ना, दिखने में थोड़ा अच्छा दिखेगा। इधर किचन के पास जो जगह है उसे भी हम साफ कर लेते हैं। अब छोटा सा किचन है तो क्या करें फ्रेंड्स, ऐसे ही करना पड़ता है, लेकिन कुकिंग वीडियो बनाने का शौक है तो बना लेती हूँ कभी कभी जब टाइम मिलता है, फुर्सत मिलती है तब। अब जो ये खाली जगह है इस पर मैं ये बिछा लेती हूँ वाइट वाला, और इसी पर मैं अपनी सारी तैयारी करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ आम का शरबत, तो उसके लिए कुछ चीज़ें ले लेंगे हम फ्रिज में से। देखिए किचन के जस्ट पास में फ्रिज है मेरा, ये पुदीना ले लिया है और ये केरी ले लिए, बस इतना ही सामान लेना है हमें, जब और लगेगा तब और बाद में लेंगे। तो चलिए अब चलते हैं वापस किचन की ओर, यहाँ रख देते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह से मैं अपनी कुकिंग वीडियोस की तैयारी करती हूँ। ये देखिए पुदीना है कितना हरा है, देखिए ये 8 से 10 दिन का पुदीना है ये, इसको मैंने गिलास में रखा था 5-6 दिन के लिए, और फिर अब मैंने फ्रिज में रख दिया है। थोड़ा सा पीला पीला होने लग गया तो मैं समझ गई कि अब ये ख़राब होने लग जाएगा, तो फिर मैंने इसको निकाल कर फ्रिज में रख दिया है। तो ये देखिए 8 दिन के बाद भी आज भी फ्रेश पुदीना है ये, और ये है केरी। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं कुकिंग वीडियो स्टार्ट, और बनाते हैं केरी का शरबत, जो कि गर्मी में हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद रहती है और लू भी नहीं लगती है इसे पीने से। यानी कि जब भी आप धूप में से कहीं से आ रहे हो तो आप एक गिलास पी लीजिए केरी का शरबत, तो आपकी सारी बॉडी ठंडी हो जाएगी। तो कैसे बनाते हैं चलिए हम आपको बताते हैं। तो चलिए पहले तो हम पुदीना तोड़ लेते हैं, अच्छा फ्रेश फ्रेश। ये देखिए इस तरह से आपको फ्रेश पुदीना के पत्ते ही पत्ते तोड़ने हैं, डंठल ना तोड़े क्योंकि डंठल का स्वाद अच्छा नहीं लगता है। इस तरह से किया जाता है फ्रेंड्स कुकिंग वीडियो स्टार्ट, पहले से बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है। मैं एक बार अच्छे से वीडियो बनाऊंगी सारा, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैं कुकिंग वीडियो कैसे बनाती हूँ। इन्हें एक मोबाइल से शूट करूंगी कुकिंग वीडियो, और एक मोबाइल से आपको बताऊंगी वीडियो बनाते हुए। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो ये देखिए मुझे जितना पुदीना चाहिए था मैंने तोड़ लिया है, बाकी का बचा हुआ रखा है, ये किसी और रेसिपी में काम आएगा। तो यहाँ 2 आम भी रखे हैं, 2 आम के लिए इतना पुदीना काफ़ी है, ज़्यादा पुदीना भी ना डालें क्योंकि फिर उससे टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसमें से बढ़िया सा पानी डाल के अच्छे 2-3 पानी से धो लेंगे, वैसे तो साफ ही है लेकिन 2-3 पानी से अच्छे से धुल जाएगा तो हमारा शरबत जो है वो ख़राब नहीं होगा। फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियोस पसंद हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपको पहुंच सके मेरा वीडियो। चलिए मैं इसका पानी नितार कर लाती हूं। इसी तरह से हम कच्ची केरियों को भी अच्छे से धो लेंगे। वैसे तो मैंने इनको धो के रखा था लेकिन ऐसे गंदे संदे हाथ लगे हैं तो मैंने सोचा चलो एक बार और धो लेती हूँ। अब यहाँ भी एक बार क्लीन कर लेती हूँ। फ्रेंड्स इस तरह से मुझे इसको भी बार बार साफ करना पड़ता है, वाइट है तो बहुत गंदा हो जाता है।
लेकिन क्लीन भी बहुत जल्दी हो जाता है। अब हम कैरियो को काट लेंगे इधर से, देखिए इसका ये वाला मुंह जो है वो निकाल लेंगे ताकि छिलके नीचे ना पड़े पड़े मतलब गिरे। फ्रेंड्स मैं एक वीडियो निमाड़ी भाषा में भी बनाऊंगी, हो सकता है शायद वो चल जाए, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो है वो निमाड़ के हैं, तो एक वीडियो बनाकर देखूंगी कैसा चलता है। फ्रेंड्स आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हमें पता चले कि हमारी फैमिलीज कहाँ कहाँ की है। इस तरह से हम दोनों कैरियों को छील लेंगे। आप जितना शरबत बनाना चाहे उतनी कैरी ज़्यादा ले सकते हैं। फिर आपको पुदीना की मात्रा भी बढ़ानी होगी, लेकिन मैं तो क्या ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर और बना लूँगी। बहुत कड़क केरिया है, बहुत हार्ड है, एकदम कच्ची कच्ची है ना, छिलाई नहीं रही है। खैर जैसे भी हो आपको छिलना तो पड़ेगा केरियों को। फ्रेंड्स मैंने और भी अलग अलग टाइप के केरी के शरबत बनाए हैं, वीडियो चैनल पर पड़े हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। एक वीडियो में तो हमने उसी कैरी से मुरब्बा भी बनाया है और उसी कैरी से शरबत भी बनाया है, यानी कि एक ही कैरी में दो काम कर दिए हैं। तो आप देखिए उसको और उस तरह से आप भी बनाइए। चैनल पर है इसका वीडियो, बहुत पहले बनाया था, पिछले साल बनाया था वो वाला वीडियो। देखिए इस तरह से हमें कैरियों को काट लेना है। चलिए इस तरह से हम दोनों कैरियों के बारीक बारीक टुकड़े कर लेते हैं, आपसे मिलते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिएगा कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, ताकि हमें भी आगे बढ़ने की मोटिवेशन मिले। अगर नहीं भी अच्छे लगते हो तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। फ्रेंड्स कुकिंग वीडियोज़ के अलावा हमारे चैनल पर वॉशिंग मशीन के वीडियो भी हैं, तो अगर आपको वॉशिंग मशीन से रिलेटिव कोई कुछ प्रॉब्लम हो तो आप वो हमारे वीडियोस देख सकते हैं, अगर आपके यहाँ वॉशिंग मशीन हो तो। तो ये देखिए इस तरह से मैंने टुकड़े कर लिए हैं, अब हम इन्हें मिक्सी के जार में डाल लेंगे। फ्रेंड्स आप वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं या नहीं, अगर आप वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं तो आपकी मशीन कौन सी कंपनी की है ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए मैंने कैरी का पल्प पीस लिया है, पहले इन्हीं को पीसना है, अब इसमें हम डाल देंगे पुदीना और इसे भी पीस लेंगे। आप चाहे तो पहले चाशनी बनाकर रख ले या फिर इस तरह से पहले ये तैयारी करके रख ले, तो मैंने पहले ये तैयारी करके रख ली है, अब मैं चाशनी बनाऊंगी। क्योंकि मेरा किचन बहुत छोटा है तो फिर मेरे को यहाँ सब अवेरना भी पड़ेगा, चलिए अब मैं इसे भी पीस लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से पल्प पीस लिया है पुदीना और केरी का, अब इसको रखते हैं साइड में और चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ देखिए हम गैस ऑन कर देंगे और उस पर एक कढ़ाई रख देंगे, आप चाहे तो स्टील की भगोनी भी रख सकते हैं, लेकिन स्टील का ही रखें, तांबे का या एल्यूमिनियम का या लोहे का ना रखें। 400 ग्राम हमारी केरी थी तो हमें यहाँ आधा किलो चीनी लेनी है, थोड़ी ज़्यादा लेनी है, और बाकी आपकी केरी पर डिपेंड करता है कि आपकी केरी कितनी खट्टी है। अगर खट्टी भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब भी आप केरी का शरबत बनाना शुरू करेंगे तब उस गिलास में भी आप पीस कर डाल सकते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, अब इसकी बनाएंगे अच्छे से चाशनी। ज़्यादा एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, जैसे गुलाब जामुन वगैरह की बनाते हैं ऐसी नहीं बनानी है, बस हल्का सा शक्कर मेल्ट हो जाए और उबाल आ जाए, इसमें दो उबाल आ जाए इतना ही पकाना है। देखिए फ्रेंड्स इसे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं यहाँ उबलते हुए, और ये देखिए इस तरह से हाथ लगाकर देखिए ये चिपचिपी सी लगने लग गई है। एक तार की चाशनी नहीं बनाना है हमें, बस ये चिपचिपा सा लगे बस इतना ही उबालना है। अब हम गैस की फ्लेम कम कर देंगे और उसमें ये पल्प डाल देंगे कैरी का जो हमने बना कर रखा है। अब
अब इसे हमें थोड़ी देर और पकाना है ताकि ये केरी का जो कच्चापन है वो निकल जाए, पुदीने का और केरी का। जब तक इसमें अच्छे तरह उबाल नहीं आता है तब तक इस तरह से आपको चलाते रहना है इसे, गैस की आंच तेज कर दे ताकि जल्दी से उबाल आ जाए। फिर हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। फ्रेंड्स, आपने अभी तक कौन कौन से शरबत बना लिए हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। गर्मियों की क्या क्या तैयारी करके रखी है आपने ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये देखिए इसमें उबाल आ चुका है, अब आप इसे पकने के लिए छोड़ सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे नमक। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें काला नमक और सफ़ेद नमक दोनों मिक्स करके रखती हूँ। ये जब भी हम खाना खाते हैं तो ऊपर से डालने के लिए हमें चाहिए होता है, तो मैं इस तरह से काला नमक और सफ़ेद नमक मिक्स करके इसमें भर कर रखती हूँ। तो ये वही है, चलिए हम इसमें डाल देते हैं। तो बिल्कुल थोड़ा सा ही डालना है, ज़्यादा भी ना डालें आप। ये देखिए बस इतना ही डालना है। आप चाहे तो इसमें मसाले भी डाल सकते हैं, जैसे काली मिर्च पाउडर है, जीरा पाउडर है, या फिर चाट मसाला पाउडर, ये भी आप डाल सकते हैं। लेकिन हमारे बच्चे ये सब पसंद नहीं करते हैं और बच्चों को तो ऐसे भी मसालेदार शरबत पसंद भी नहीं आता है, उन्हें टेस्टी ठंडा और मिठाई शरबत पसंद आता है। तो हम ये सारे मसाले नहीं डालेंगे, आप चाहे तो डाल सकते हैं अगर आपको टेस्ट और बढ़ाना हो तो। थोड़ा सा हाथ पे लेकर टेस्ट भी कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, पुदीने की खुशबू और स्वाद बहुत अच्छा आ रहा है। थोड़ा सा नमक कम लग रहा है तो और डाल देंगे, बस इतना ही डालना है। इसमें आपको और थोड़े से ये केरी के छिलके भी डाल देना है फ्रेंड्स, इससे क्या है कि एकदम ओरिजिनल केरी का स्वाद आएगा, ऐसा लगेगा कि एकदम केरी खा रहे हैं। ये छिलके का भी स्वाद आना चाहिए थोड़ा सा, तो मैं तो थोड़े से छिलके डाल देती हूँ शरबत में। आप भी एक बार ज़रूर इस तरह से बनाकर ट्राई कर कर देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है इस तरह का शरबत। क्योंकि हम इसे छानेंगे तो ये सारे जो केरी के छिलके वगैरह है सब निकल जाएंगे और सिर्फ शरबत ही बच जाएगा। तो इन्हें अच्छे से उबलने देते हैं ताकि केरी अच्छे से पक जाए, ताकि हम इसे साल भर के लिए स्टोर करके रख सकें। वैसे तो साल भर इसे कोई पीता नहीं है, ऐसे ही 2-3 महीने तक ही पीते हैं, गर्मी गर्मी पीते हैं। और मेरे घर तो गर्मी में कम से कम 2-3 बार इस तरह से शरबत बन जाता है। मेरे बच्चों को दोपहर में सबको शरबत चाहिए होता है पीने के लिए, तो मैं इस तरह से बनाकर रेडी करके रख लेती हूँ। 2-3 महीने में 2-3 बार बनाकर बच्चों को पिलाती हूँ और मैं खुद भी पीती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे मार्केट जैसा लुक देने के लिए इसमें थोड़ा सा डालते हैं ग्रीन फूड कलर, और ये खाने वाला कलर है। आप बिल्कुल टेंशन ना लें कि इस कलर से कुछ हानि होगी या नुकसान होगा, ये जिससे बूंदी बनाते हैं वही वाला कलर है ये। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा कैरी का शरबत बनकर रेडी हो चुका है। अब हम कर देंगे गैस बंद और इसे होने देंगे थोड़ा सा ठंडा। फिर इसमें मिलाएंगे नींबू, जिससे कि कैरी का जो कसीलापन है वो निकल जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, शरबत हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है और आप देख सकते हैं कि गाढ़ा भी कितना हो गया है, ठंडा होने पर ये गाढ़ा हो जाता है। अब आप ले लीजिए एक बाउल और उस पर रखिए छन्नी और ये सारे मिक्सरन को छान लीजिए। तो ये देखिए इस तरह से आपको भी छान लेना है इसको। इसको किसी भी कटोरे में डालकर इसमें पानी मिलाकर इसे छानकर पी सकते हैं, तो इसमें भी सारा टेस्ट है। चलिए अब हम इसमें डाल देंगे एक ये नींबू की आइस क्यूब। ये देखिए मैंने पिछले साल स्टोर कर रहा था ये नींबू का जूस, इसका भी वीडियो मेरे चैनल पर है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं कि नींबू के जूस को साल भर के लिए कैसे स्टोर करें। तो ये देखिए पूरे एक नींबू का है ये जूस, ये डाल देंगे इसमें। थोड़ा सा इसमें डालेंगे वेनिला एसेंस, इससे भी बिल्कुल एकदम शरबत जैसा टेस्ट आएगा। बस थोड़ा सा ही डालना है, अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि नींबू हमारा अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए।
देखिए फ्रेंड्स, इसमें नींबू भी अच्छे से घुल चुका है और वेनिला एसेंस भी अच्छे से घुल चुका है। इसमें खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। आप चाहे तो इसे कांच की बॉटल में इसको रखें या फिर इस तरह से किसी भी कांच की बर्नी में रखें, लेकिन उसे अच्छे से धो ले, साफ कर ले, सुखा ले, उसके बाद ही इसमें डालें। तो चलिए अब मैं भी इसे स्टोर कर लेती हूँ इसमें। ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसका ढक्कन लगा देंगे। इस तरह से आप भी गर्मी में केरी का शरबत बना के रखें और पूरी गर्मी इंजॉय करें। तो चलिए अब हम बनाते हैं तपती जलती गर्मी की ठंडी ठंडी ड्रिंक। तो ये देखिए इस तरह से बनाई जाती है। थोड़ा सा बर्फ डालें और केरी का पल्प डालें और ठंडा ठंडा पानी डालें और इसे गर्मी में पी लें तो सारी गर्मी दूर हो जाएगी। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप भी बनाइए और सारे परिवार को पिलाइए इस गर्मी में। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।